तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट फायर बटन साइज के ऊपर, आप लोग कितना क्या बेस्ट फायर बटन साइज रखो जिसे आप इजीली बंदों को वन टैप या फिर हेडशॉट मार सको। तो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहना वीडियो के शुरू से लेके एंड तक। और गाइस अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके भाई लोग थोड़ा सपोर्ट जरूर दिखाना, क्योंकि भाई लोग चैनल बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है यार, बहुत मतलब व्यूज वगैरह नहीं आते, तो थोड़ा सपोर्ट भाई लोग आप लोग जरूर से जरूर दिखा देना। तो आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस एक भाई का कमेंट आया था मेरे पास कि भाई मैं अपना वन प्लस क्लिक कितना का फाइव बटन साइज रखूँ जिससे मेरा एम रिकॉल करते ना खाए और बंदे को फिर इजीली हेडशॉट लगे। तो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि बेस्ट फाइव बटन साइज जान के अपना इजीली हेडशॉट मार लेंगे तो आप लोग गलत है एकदम, क्योंकि आप हेडशॉट बिना सेंसिटिविटी के मार ही नहीं सकते, क्योंकि हेडशॉट मारने के लिए सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी सेंसिटिविटी सही नहीं होगी तो आपका ड्रग होगा ही नहीं, आपका बंदे के पास एम भी नहीं जाएगा। तो आपको जनरल सेंसिटिविटी अपने सही रखनी है तभी आपके इजीली हेडशॉट लगेंगे। मगर क्यों? क्योंकि मैं पर्सनली कह रहा हूँ जनरल सेंसिटिविटी पूरा मैटर करती है जिससे आपके इजीली हेडशॉट लगे, और फिर आपको चाहे कोई भी डिवाइस में कर वो मैटर नहीं करेगा, आपकी बस जनरल सेंसिटिविटी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, फिर आपका हेडशॉट भी वर्क करेगा, वन टैप भी वर्क करेगा एकदम बिना किसी रिकॉइल के, और आपको लाइक पागल एमटर राइस्ट्राइक की तरह हेडशॉट भी देखने को मिलेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि फाइव बटन साइज के साथ साथ हम लोग अपनी डीपीआई भी बढ़ा सकते हैं, तो आप लोग गलत है, डीपीआई मत बढ़ाइए, क्योंकि डीपीआई बढ़ाने से आपका प्रोसेसर खराब होगा। आप लोग अपने सिर्फ जनरल सेंसिटिविटी को ही सही रखिएगा, आपके इजीली हेडशॉट लगने लगेंगे, फिर वो चाहे आप किसी भी डिवाइस में खेल रहे हो, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। और आप लोग अब जान लें अपना फेवरेट साइज आपको कितना क्या रखना है जिससे आप लोग कस्टम या फिर सीएस रैंक बरमूडा किसी में भी हेडशॉट बंदे को मार सकते हैं। तो गाइस आपको अपना फोन में अपना फेवरेट साइज 52 रख लेना है। 52 रखने के बाद फिर आपने थोड़ी देर ट्रेनिंग करना, प्रैक्टिस करिएगा, फिर आपको देखने को मिलेगा कि आपके पिछले अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा हेडशॉट लगने को मिल रहे हैं। अगर गाइस प्रैक्टिस करने के बाद फिर भी आपके वन टैप शॉट नहीं लग रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर आपको कस्टम एचडी में आ जाना है अपनी, और कस्टम एचडी में आने के बाद 52 है अगर आपका फायर बटन साइज, तो आपको सिंपली 50 पे सेलेक्ट कर लेना है, और आप लोग आके ट्रेनिंग ग्राउंड में कुछ देर प्रैक्टिस करें, फिर आप लोग देखेंगे आपके पिछले मैच के अकॉर्डिंग इस मैच में ज़्यादा हेडशॉट देखने को मिल रहे हैं। और अब आप लोग सोच रहे होंगे सेंसिटिविटी के बारे में, हम बताएंगे सेंसिटिविटी के बारे में, भाई लोग नहीं बताएंगे क्योंकि सेंसिटिविटी के बारे में बताएंगे तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम अपने चैनल पर 5 वीडियो सेंसिटिविटी के पहले से बना के डाल चुके हैं, जो अगर आप लोग उन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें जाके एक बार जरूर देख लें, जो अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग एक पर्सनल सेंसिटिविटी जानना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बना के दे सकते हैं, बस आपको करना कुछ भी नहीं, आपको करना छोटा सा काम है, वीडियो को लाइक करके चैनल पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना कमेंट बताना आप कौन से डिवाइस में खेलते हो। तो बस भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।